हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर पेरोल मैनेजमेंट में अटेंडेंस क्रिएशन। हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे के दो वीडियोस में सीखा था टैली प्राइम के अंदर कि कैसे आप इम्प्लॉय ग्रुप को बना सकते हैं, कैसे आप इम्प्लॉय बना सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कैसे आप पेहेड बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं एंड अटेंडेंस टाइप बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग अटेंडेंस क्रिएट कर सकते हैं ताकि फर्दर जो काम हो उसमें आसानी हो जाए, वैसा जो भी पेमेंट है जो अटेंडेंस से रिलेटेड है उसको आसानी से किया जा सके। देखिए, इससे पहले कि मैं आज के इस टॉपिक पे आऊँ, मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि टैली में मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना के रखी है जहाँ पे मैंने इम्प्लॉय ग्रुप बना के रखा है। इम्प्लॉय ग्रुप में मैंने दो ग्रुप बनाया है, एक है अकाउंटेंट्स और दूसरा है क्लर्क। सिमिलरली मैंने इम्प्लॉयज भी बना के रखा है, एक इम्प्लॉय आपका अंकित कुमार है जो कि क्लर्क है और दूसरा इम्प्लॉय फरदीन खान है जो कि अकाउंटेंट है। उसके बाद जो है ओवर टाइम के लिए मैंने यूनिट्स भी बना के रखा है, एक एक यूनिट है यहाँ पे आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स में वो जो है ओवर टाइम होता है। और अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप में मैंने ऑलरेडी अब्सेंट, ओवर टाइम, पेड लीव्स एंड प्रेजेंट, ये चार अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप हम लोगों ने बना के रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कैसे अटेंडेंस क्रिएशन करते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं बिना समय गवाए कैसे हम लोग अटेंडेंस क्रिएट करते हैं। देखिए, अटेंडेंस बनाने के लिए ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, ये जो हम लोगों ने इम्प्लॉय ग्रुप, इम्प्लॉय यूनिट्स और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बना के रखा है, ये तो आप लोगों को बना ही लेना है। उसके बाद आपको चले आना है वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर आने के बाद आपको यहाँ F10 बटन है अदर्स वाउचर्स के लिए, अदर वाउचर्स के लिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ से पेरोल वाउचर में आपको अटेंडेंस सेलेक्ट करना है। अभी जैसे ही आप ऐसा करोगे, देखो आपके सामने यहाँ अटेंडेंस वाउचर आ गया, वाउचर नंबर फिलहाल 1 है, लेकिन ये जो आपका अटेंडेंस है ये आपको किस डेट में बनाना है, आप F2 से डेट चेंज कर लो। सपोज ये जो है महीने के लास्ट में या अगले महीने के शुरू में आप बनाते हो, ठीक है। अभी अंकित कुमार का आप अटेंडेंस बना रहे हो तो अंकित कुमार जो है वो 30 दिन में जो उसने वो जो प्रेजेंट रहा है वो 25 डेज या 24 डेज प्रेजेंट रहा है। तो आप यहाँ अंकित कुमार को आपने सेलेक्ट किया, प्रेजेंट आपने अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप में सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैनुअली आपने कीबोर्ड से 24 डाल दिया। अगेन अंकित कुमार को सेलेक्ट करना है। ये जो है ये अब्सेंट भी हुआ है, अब्सेंट ये एक दिन हुआ है, ऐसा आप फीड कर दो। फिर अंकित कुमार को आपको सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करना है। पेड लीव्स इसने लेके रखा है 5 दिन, ओके। और ओवर टाइम भी इसने किया है, ओवर टाइम आप सेलेक्ट कर लो। ओवर टाइम इसने पूरे महीने में 100 आवर्स किया है। अभी आप चाहो तो ये आप यहां पे सेव कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। एक जो आपका वाउचर अटेंडेंस का, आप उसमें एक इंप्लाई का ही अटेंडेंस अगर बनाना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन चलो मैं यहाँ पे फरदीन खान को भी सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसी वाउचर में फरदीन खान का भी जो है अटेंडेंस बनाया जाए। तो फरदीन खान को सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करना है जो कि अकाउंटेंट है जिसका एम्प्लॉय नंबर 002 है। ये महीने में जो प्रेजेंट रहा है ये महीने में 25 दिन प्रेजेंट रहा है, ओके। फिर फरदीन खान को सेलेक्ट करना है। ये अब्सेंट भी हुआ है, अब्सेंट ये भी एक दिन हुआ है और इसने बाकी जो है फरदीन खान को अगेन सेलेक्ट करना है। इसने पेड लीव्स लिया है 4 डेज, ओके। और इसने ओवर टाइम भी किया है, यहां से आप ओवर टाइम को सेलेक्ट कर लो। और इसने ओवर टाइम किया है महीने का 58 आवर्स, ऐसा आपने कर लिया। अब यहां पे हम लोगों ने दो ही इंप्लॉय बनाया है। अब मैं यहां पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कैसे आप यहां से रहते हुए एक अगर कोई नया इंप्लॉय जो छूट गया हो बाय मिस्टेक, आप कैसे उसको बना सकते हो। तो आपको यहां पे ये दो इंप्लॉय आपके सामने है, यहां से देखो ऊपर में यहां क्रिएट ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट एक्चुअली कीबोर्ड से आप अल्ट सी भी प्रेस कर सकते हो। आप क्रिएट में आते हो, इंटर प्रेस करते हो। अब यहां पे सपोज एक जैद खान नाम का एक स्टूडेंट, एक इंप्लॉय है। अब ये जो इंप्लॉय है ये क्या है भाई, तो ये क्लर्क है। इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप डाल दो, जो भी है इंप्लॉय नंबर वगैरह आप डाल दो एंड अदर डिटेल्स आपको यहां फीड कर लेना है। चलो मैं तो फीड नहीं करता हूं, यहां से मैं यहां कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं। अभी आप इसके लिए भी ये कितने दिन प्रेजेंट है भाई, तो ये जो है प्रेजेंट है 23 डेज। और फिर से आपको जैद खान सेलेक्ट करना है। इस ये अब्सेंट कितना दिन है,
तो ये जो है अब्सेंट हो गया है 2 डेज, और इसने फरदीन जैद खान ने जो है ये ओवर टाइम भी कर रखा है, या चलो पहले पेड लिव्स को मैं बना दूं, इसने जो पेड लिव्स ले रखा है ये 5 डेज रखा है, ओके। और साथ में फरदीन खान जैद खान ने जो है ना ये एक्चुअली मैं अगर यहाँ पे ओवर टाइम डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, लेकिन इसने ओवर टाइम किया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर लो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप ये अटेंडेंस आपने बना लिया। अभी यहाँ के बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ये आपका अटेंडेंस बन गया। अब इसके आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि कैसे इसके बाद हम लोग सैलरी डिटेल्स बना सकते हैं और कैसे फिर हम लोग सैलरी का पेमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से भी जो है बहुत आसानी से टैली प्राइम के अंदर अटेंडेंस क्रिएशन हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इससे पीछे का भी 2 वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वो वीडियो भी देख लें ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में सैलरी डिटेल्स के बाद वाले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।